24 वर्ष की एक बड़ी खबर बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 48वां जन्मदिन है, साथ ही साथ आज पर्यावरण दिवस भी है। पूरा देश आज पर्यावरण दिवस के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन मना रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या कुछ है, कैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जन्मदिन मनाया, कितना उत्साह था भाजपा के नेताओं में, क्योंकि बहुत सादगी के साथ देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है और कुछ समय पहले उनके पिताजी का देहांत भी हुआ था, तो किस नजर से इसको देखा जाए, कैसे आज का समय काल रहा? जैसा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। अपने 49वें जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हर बार की तरह कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं। सन्यासी होने की वजह से जन्मदिन वह नहीं मनाते, उसकी जगह पर पर्यावरण दिवस मनाते हैं। काफी तमाम जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे कहते हैं कि सभी लोग अपना अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में पेड़ लगावें। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। ऐसे में अभी बीच में ही हाल में ही सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा दिक्कत में है, तो ऐसे में काफी उनको परेशानी हो रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जन्म दिवस सिर्फ जो वृक्ष है, जो पर्यावरण है, उसको बढ़ावा देने के लिए सिर्फ उन्होंने नाम कर दिया है। ऐसे में ये कहेंगे कि जो लगातार कोरोना जैसी भीषण महामारी से पूरा भारत भी झेल रहा है, तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री एक उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं और सन्यासी भी हैं, तो इन्होंने अपना जन्मदिन तो नहीं मनाया, लेकिन जन्मदिन की जगह पर इन्होंने पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें तमाम भाजपा के कार्यकर्ता व आम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। जैसा कि हम बता दें अपने दर्शकों को, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और आज सूबे के जो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका 48वां जन्मदिन भी रहा। उन्होंने एक नई सोच के साथ, क्योंकि यो योगी भी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक सन्यासी का जो जीवन होता है वह बहुत ही साधारण होता है, उसका परिचय देते हुए, क्योंकि अभी हाल ही में उनके पिता का देहांत भी हुआ था, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है, पर्यावरण को लेकर भी संदेश दिया और सादगी का भी परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित इस जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।